आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बकरीद पर बचेंगे तब मुहर्रम में नाचेंगे। पीएम का फेस बनने के सवाल पर मुहावरे में दिया जवाब। पीएम मोदी ने वंदे मातरम एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। अब अंदौरा से नई दिल्ली के बीच चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन। आमिर खान के विज्ञापन विवाद, एमपी के गृह मंत्री बोले, ऐसे विज्ञापन से भावनाएं आहत होती है, इसकी इजाजत नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा मुहर्रम एक मातम का महीना, जश्न कैसे मना सकते हैं। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का ऐलान, आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे, सरकार ने आंदोलन से किए समझौते पूरे नहीं किए। नोटबंदी पर केंद्र और आरबीआई को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9 नवंबर तक बताएं किस कानून से 1500 के नोट बंद किए। अगरतला के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, राष्ट्रपति मुर्मू ने 2 ट्रेनों के विस्तार को दी हरी झंडी। भारत जोड़ो यात्रा का 36वां दिन, राहुल गांधी ने बोमांगडोना हल्ली से शुरू किया पैदल मार्च। केरल में काला जादू के खिलाफ कानून की मांग, बिल बना सकने लेकिन विधानसभा में पेश नहीं हुआ। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रियंका गांधी की रैली से पहले 8 नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ी। कानून मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर पलटवार, कहा देश अभी भी पहले प्रधानमंत्री की गलतियों की कीमत चुका रहा है। विवाह पंजीकरण को लेकर केरल हाईकोर्ट की 2 टुक, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए धर्म पर विचार का कोई आधार नहीं। उपराष्ट्रपति ने सीमाओं के विस्तार पर मानवाधिकारों को लेकर जताई चिंता, कहा भारत का इस नीति पर विश्वास नहीं। जम्मू में 1 साल से रह रहे बाहर के लोगों को मतदाता बनाने का फैसला वापस, राजनीतिक पार्टियां कर रही थी विरोध। भाजपा नेताओं ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, विधानसभा उपचुनाव में समर्थन का दिया भरोसा। गाजियाबाद में चाकू से गोद कर पत्नी की हत्या, चादर नहीं लाने पर बेटी को पीटा, बीच बचाव में आई पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार। आगरा में बॉलीवुड के लिए तोड़ दिए नियम, मेहताब बाग बंद होने पर चलती रही गुरु रंधावा और सई मांजेकर की शूटिंग। सहारनपुर में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं माफिया, हरियाणा और यूपी के खनन माफिया करते हैं खनन। रातों रात 1 मीटर गंगा बढ़ रही गंगा, वाराणसी में नहीं थम रहा है गंगा का उफान, आज हो सकती है बारिश।
आजमगढ़ में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन, जुलूस ने नगर निगम में किया भ्रमण, डीजे की धुन पर थिरके श्रद्धालु। मुरादाबाद में बीच सड़क पर एनकाउंटर, ड्यूटी से लौट रही थी भाजपा नेता की पत्नी की फायरिंग में मौत, पुलिस के इंस्पेक्टर समेत 5 घायल। सहारनपुर में बिना जांच के नाबालिग बना दिया गया बालिग, कोर्ट ने नाबालिग को बाल संरक्षण कल्याण समिति पेश करने का दिया आदेश। बीएचयू कैंपस में कल रात से धरना जारी, रूम में आए थे गेस्ट, प्रशासन ने हॉस्टल से निकाला छात्र, बोला गेस्ट रजिस्टर तक नहीं है। इटावा में सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक में मारपीट, चाकू लगने से प्रधानाचार्य घायल। संभल में भाजपा नेता ने की जरूरतमंद की मदद, लगातार हो रही बारिश में गिर गया था मकान, पीड़ित ने जताया आभार। गाजियाबाद में प्रोबेशन अधिकारी को घूस लेते पकड़ा, प्रोबेशन विभाग में सीट पर बैठकर ली रकम, डीएम ने जांच के आदेश दिए। बाढ़ के पानी में फंसी एसडीएम की सरकारी गाड़ी, सीतापुर में पानी से कटी सड़क, आधे घंटे बाद गड्ढे में फंसी गाड़ी को ट्रैक्टर से निकाला गया। अलीगढ़ में शातिर लुटेरे पर हुई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, सिविल लाइंस पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, कई घटनाओं में है नामजद। बांदा में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, तीसरे की हालत गंभीर, परिजन बोले पुलिस को फोन करने के बाद भी नहीं मिली मदद। दुकान से 10 महीने तक मोबाइल चुराती रही महिला सफाईकर्मी, पति ऑनलाइन बेचता था, 5 लाख का कर्ज उतारा। देवरिया में मंगल दल को नहीं लगाना होगा ऑफिस का चक्कर, पंजीकरण के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। कानपुर में डेंगू हो रहा बेकाबू, 129 डेंगू पेशेंट के साथ 5 नए डेंगू मरीज आए सामने, रावतपुर में डायरिया से बच्चे की मौत। चंदौली में आरपी अपने 2 टिकट दलालों को दबोचा, रेल टिकट और लैपटॉप जब्त, गैर कानूनी रूप से करते थे टिकटों की बुकिंग। शादी अनुदान योजना में धांधली, जांच रिपोर्ट निदेशालय ने भेजी, 4 ने वापस ली राशि, सभी लाभार्थियों के खंगाले जाएंगे खाते। मेरठ में जुगाड़ का वाइपर ठीक होने का वीडियो आया सामने, अब यूपीआरएसटीसी वीडियो वायरल कर सोशल मीडिया पर दे रहा जवाब। उन्नाव में चेतावनी बिंदु की तरह बड़ा जलस्तर, चेतावनी बिंदु 47 सेंटीमीटर दूर, सैकड़ों मकान बाढ़ के पानी में घिरे। अमेठी में लापता 4 बच्चियां बरामद, पद्मावत एक्सप्रेस से जा रही थी दिल्ली बरेली, पुलिस ने स्टेशन पर उतारा। पीलीभीत में बाइक टकराने के बाद मारपीट, दबंग ने युवक को मेले में गिराकर पीटा, खड़े होकर वीडियो बनाते रहे लोग। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अधिकारियों ने लिया जायजा, लखीमपुर खीरी में डीएम सीडीओ ने विधायक संग जाना हाल। बलिया में सरयू खतरे का निशान पर, बाढ़ की संभावना पर प्रशासन अलर्ट, कई बस्तियां और घरों में पानी से घिरे।
अंबेडकर नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस 15,75,000 चोरी के मोबाइल को किया बरामद। औरैया में पुलिस ने शौक पूरा करने के लिए वारदात करने वाले 4 लुटेरों को पकड़ा, पूछताछ के बहाने लूटा था मोबाइल व रुपए। कानपुर में किशोरी से छेड़छाड़ करना शोहदे को और उसके दोस्त को पड़ा भारी, किशोरी ने बीच सड़क शोहदे का उतारा आशिकी का भूत। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी और नगर निगम जोन 6 की कमी आई सामने, रोड पर सड़कें गम गड्ढे ज्यादा होने से वाहन अस्त व्यस्त। कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट से सड़क में गिरे हुए गड्ढे में गिरी बाइक, मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम में की पूजा अर्चना, मंदिर समिति को दिया 5 करोड़ का दान। उत्तराखंड में एसडीएम को बंधक बनाने वाले मोहम्मद तैयब की गिरफ्तारी के बाद काशीपुर पहुंचा था जफर। उत्तराखंड के पंत यूनिवर्सिटी के जादौन के घर पर मिले घोटाले के सबूत, विजिलेंस ने कब्जे में लिए। उत्तराखंड में बारिश ने उजाड़े खेत, अब सड़कें बंद होने से मंडी नहीं पहुंच रही सब्जी, उत्पादकों को भारी नुकसान। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की शुरुआत, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। जुबान फिसलने पर बंशीधर भगत ने मांगी माफी, बालिका दिवस पर देवी देवताओं के नाम पर दिया था अटपटा बयान। उत्तराखंड में बेटे की टिप्पणी पर हरीश रावत का जवाब, जिनके लिए अंगूठा लिया वो कह रहे हैं क्या करें तेरा काम। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर तपोवन के पास कार खाई में गिरी, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर 3 लोगों को बचाया। पाकिस्तान के जायरीनों का जत्था वतन लौटा, साबिर पाक दरगाह पर दी आखिरी हाजिरी, कहा दोबारा आएंगे। उत्तराखंड शासन ने सेवानिवृत्त आईपीएस जीएस मर्तोलिया को बनाया अधीन सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष। उत्तराखंड के रुड़की में चोरी हुई ट्रैक्टर ट्राली को पुलिस ने किया बरामद, साथ ही 5 आरोपित को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के काशीपुर में हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने अखबार पढ़ रहे खनन व्यवसायी को मारी गोली, कनाडा से सामने आया कनेक्शन। उधम सिंह नगर में यूपी पुलिस के फारिक, जसपुर के ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी की मौत, यूपी पुलिस के 3 जवान घायल, मुकदमा। उत्तराखंड के काशीपुर में किसान नेता की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर अखबार पढ़ रहे थे महल सिंह। उत्तराखंड के हरिद्वार 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से ज्वालापुर में दहशत, खुफिया एजेंसियों की रडार पर कई संदिग्ध। उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी वाले 2 क्रूज मिसाइलों की टेस्ट फायरिंग की, गुरुवार को इसकी जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी।
बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर ओआईसी ने फिर फिरा पाकिस्तान से मुंह, वैश्विक मंच पर भी औंधे मुंह गिरा पाकिस्तान। १९७० के बाद से दुनिया की वन्यजीव आबादी में दो तिहाई से अधिक की गिरावट, वैश्विक वन्यजीव आबादी में 69% आई गिरावट। विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में उठाया वीजा बैकलॉग का मुद्दा, जयशंकर बोले साल के अंत तक मिला समाधान का आश्वासन। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले 70,000 के पार पहुंचे, डब्ल्यूएचओ ने सबसे मुश्किल समय के लिए किया आगाह। पाकिस्तान में बस में आग लग गई, 18 जिंदा जले, सभी बाढ़ पीड़ित, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में खराबी के कारण हुआ हादसा। यूक्रेन को मिला अल्ट्रा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम, जर्मनी ने दिया अपना सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम आईआरएसआई टीएसएलएम। संयुक्त राष्ट्र में रूस को लगा दूसरा झटका, 143 वोट के साथ निंदा प्रस्ताव पास, भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। जापान ने 8 सैटेलाइटों के साथ उड़े अपने रॉकेट को खुद किया तबाह, फिर लोगों से मांगी माफी। यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने पर लगी पाक को लताड़, भारत ने कहा जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र हमारा अभिन्न अंग। भारत में अब नहीं बनेंगे 4G मोबाइल, भारत सरकार का निर्देश, 3G और 4G स्मार्टफोन बनाना बंद करें कंपनियां। गिफ्ट पैक की डिमांड 20% तक बढ़ने की उम्मीद, दिवाली में पैकेज स्वीट की बिक्री में 25% तक ग्रोथ। सितंबर में बढ़ी रिटेल महंगाई, सब्जी और दालों के दाम बढ़ने से महंगाई 7.41% पर पहुंची, अगस्त में 7% तक रही थी। रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान, कैबिनेट बैठक में सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मदद देने का भी फैसला है। परफ्यूम सेल्समैन बने एलन मस्क, टेस्ला के सीईओ ने लॉन्च किया बंट हेयर परफ्यूम। लेक्सस की ES300H हाइब्रिड सेडान लॉन्च, 5 सीटर कार की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर हावर, सेफ्टी के लिए 10 एयरबैग। स्पाइसजेट के विमान के हैदराबाद में आपात लैंडिंग, गोवा से आ रहा था विमान, जांच जारी। IMF चीफ के इकोनॉमिस्ट बोली भारत में 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का मुद्दा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, अगले बजट में आर्थिक वृद्धि दर और महंगाई में दिखेगा संतुलन। बायजू 2500 कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी में, मार्च 2023 तक कंपनी को फायदे में लाने की योजना। आठवीं बार विमेंस एशिया कप के फाइनल में भारत थाईलैंड को 74 रनों से हराए, दीप्ति शर्मा ने लिए 3 विकेट। ट्रायंगुलर सीरीज में फाइनल में पाकिस्तान रिजवान बाबर की हाफ सेंचुरी के बदौलत बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया।
टी20 में 149 की तूफानी स्ट्राइक रेट, फिर भी भारत के लिए केवल एक ही टी20 मैच खेल पाए, बुरी किस्मत का मारा है पृथ्वी शॉ। नासिर हुसैन का बड़बोला बयान, भारत को बताया डरपोक टीम का, आईसीसीआई इवेंट में यह टीम नहीं जीत पाया। पाकिस्तान ने भारत को हराया था, पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हाल पर पूर्व कप्तान सलमान बट का फूटा गुस्सा, सुनाई खरी खरी। गांगुली दूसरी बार बनना चाहते थे बीसीसीआई प्रेसिडेंट, बोर्ड के अधिकारियों ने दिया था साथ, आईपीएल चेयरमैन भी नहीं बने। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हराए, मलान ने खेली 82 रन का धमाकेदार पारी, सीरीज में 2-0 से आगे। सुशील कुमार पर हत्या के मामले में आरोप तय, ओलंपिक मेडलिस्ट सहित 18 लोगों को हो सकती है सजा। मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए भरी उड़ान, मोहम्मद कैफ इरफान पठान ने इस तरह बढ़ाया शमी भाई का हौसला। चीते की तरह तेज बेन स्टोक ने बाउंड्री पर दिखाया जलवा, शानदार फील्डिंग से बचाया सिक्स, दर्शक देखते रह गए। सलमान खान पर भड़की एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा, किया सवाल, क्या आप हम आउटसाइडर्स के भाईजान नहीं हैं? दीपिका ने पॉडकास्ट के जरिए किया खुलासा, डिप्रेशन की बीमारी को लोगों से लगती थी फेक। ट्रोलिंग पर छलका उर्वशी रौतेला का दर, ईरान के महसामीनी से खुद की तुलना, कहा मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्रतीक गांधी के साथ दिखेंगी टीवी एक्ट्रेस कृतिका कामरा, शुरू हुई वेब शो फॉर योर आईज ओनली की शूटिंग। पेपरॉजी पर भड़की किया आडवाणी, बुजुर्ग को धक्का देने पर लगाई डांट, कहा आराम से आप लोग तो देखो कौन है। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई जानवी कपूर, ऑल व्हाइट लुक में दिखी स्टाइलिश, मुस्कुराते हुए पेपरॉजी को दिए पूछ। टीवी एक्ट्रेस कनिष्का सोनी ने साजिश पर लगाए आरोप, दो बार गलत डिमांड की, भारत वापस नहीं आऊंगी, वो मुझे मार देंगे। आमिर खान के विज्ञापन पर विवाद, शादी के बाद गृह प्रवेश कर दिखे, एमपी के गृह मंत्री बोले इसकी इजाजत नहीं। डबल एक्सएल का ट्रेलर रिलीज हुआ, बॉडी शेमिंग करने वाले को करारा जवाब देंगी सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी। मिली का टीजर हुआ आउट, नर्स के रोल में नजर आएंगी जानवी कपूर, 4 नवंबर को रिलीज होगी ये फिल्म। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।